दोस्तों नमस्कार आदाब सत अकाल न्यूज़ क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है दोस्तों इस दौर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो हमारी व्यवस्था जो हमारी सरकार जो हमारे जितनी मशीनरी लगी हुई हैं सरकार की कोरोना को फाइट आउट करने में उससे निपटने में समाज और सभ्यता को बचाने में वो किससे लड़ रहे हैं क्या वो महामारी से लड़ रहे हैं क्या वो महामारी को ख़त्म करना या महामारी से लोगों को निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं या वो लोगों से ही लड़ रहे हैं लोगों को ही एक तरह से वो हाँक रहे हैं लोगों को ही मार रहे हैं लोगों को ही ऐसा लगता है कि लोग उनके दुश्मन नजर आ रहे हैं महामारी की आड़ में ऐसा मशीनरी में भी लग रहा है केवल मैं राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी की बात कर रहा हूँ कि क्या वो आवाम को ही खासकर गरीबों को साधारण लोगों को उसने दुश्मन की तरह मान लिया है जो जहां पा रहा है वहीं लोगों को या तो लूट रहा है या तो मार रहा है केरल तमिलनाडु और कुछ एक इवन कर्नाटक इन स्टेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में सरकारी अस्पतालों की जो हालत है जो उनकी संख्या है जो उनमें बेड हैं जो उनमें डॉक्टर्स नर्सेस और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नाकाफी हैं ये बात हमारी सरकारें स्वीकार कर चुकी हैं सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय राजधानी की सरकार स्वीकार कर चुकी है और इसीलिए प्राइवेट से लेकर के और नई नई नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं स्वयं उनके अपने मंत्री जब बीमार होते हैं परेशान होते हैं हम सबको शुभकामना देते हैं कि कोई बीमार ना पड़े और अगर कुछ हो किसी को तो सब ठीक हो जाए लेकिन यहाँ तो मंत्री का भी इलाज सरकारी आ, अस्पताल में संभव नहीं हो पा रहा है प्राइवेट में जाना पड़ रहा है तो दोस्तों हम जो बात बहुत संक्षेप में कहना चाहते हैं आपसे कि एक तरफ अस्पतालों के स्तर पर दवाओं के स्तर पर उपचार के स्तर पर क्वारेंटीन के स्तर पर आइसोलेशन के स्तर पर वाम को खासकर जो गैर वीआईपी हैं जो साधारण लोग हैं उनकी एक तरह से लूट मार मची हुई है इतना पैसा यहाँ तक कि मैं तो कह रहा हूँ कि जो वर्किंग मिडिल क्लास है जो खाता पीता समाज है उसके लिए भी बड़ी किल्लत है मैं आपको बताऊँ कि प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उनका एक आंकड़ा और मैं ये आंकड़ा अपनी ओर से नहीं पेश कर रहा हूँ ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो बड़ा अखबार देश का है उसमें छपा हुआ है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें प्राइवेट रूम सात हजार पाँच सौ रुपये सेमी प्राइवेट रूम सात हजार रुपये जनरल वार्ड आईसीयू, जनरल वार्ड बासठ सौ रुपये आई जो है दस हजार रुपये आइसोलेशन वार्ड छ हजार रुपये और दस हजार रुपये आई किसी विशेष प्रकार के डबल शेयरिंग रूम आठ हजार प्राइवेट रूम नौ हज़ार और कई जगहों पर नौ हज़ार से लेकर के और दस हज़ार के बीच में इस तरह के रूम उपलब्ध हो रहे हैं इसमें वे चार्जेज नहीं शामिल हैं जो दवाओं के दाम और उपचार के अलावा बिल में ठोंके जाते हैं तो ये एक जनरल जो चार्जेज है वही है यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो मूल्य है वो और बढ़ जाता है और इस पर खर्चा बढ़ जाता है पहली बात दूसरी बात दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो व्यवस्था को चलाने वाली जो संस्थाएं हैं खासकर पुलिस की बात मैं करूं, जो एक बड़ी महत्वपूर्ण मशीनरी है ऐसा लगता है कि अनेक स्टेट्स में जहां की प्रशासन में संवेदनशीलता नहीं है जहां की डेमोक्रेसी का एलिमेंट या तो बहुत कमज़ोर पड़ गया है या जो वहां के शासक हैं वहां की जो गवर्नेंस संभालने वाली पार्टियाँ या नेता हैं या तो उन्होंने खुला छुट्टा उनको छोड़ दिया है इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा जुल्मो सितम उन पर ढाया जा रहा है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती अभी एक जगह है तमिलनाडु में उसको अच्छा तमिलनाडु की जगह की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु सरकार ने हाल में जो ए आई की सरकार है और सभी जानते हैं ये कोई छुपी बात नहीं है कि उसको भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र के जो मौजूदा निज़ाम है उनका संरक्षण प्राप्त है ये बीजेपी बैक्ट जो ए सरकार है वो बड़ी दिलचस्प नज़ारा है उसका है उन्होंने क्या किया कि पूरे प्रदेश में एक हज़ार से अधिक जगहों का कस्बों शहरों का उन्होंने आनंद फारन में नाम बदल दिया और नाम जो बदला उसमें प्राचीनता लाने की कोशिश की यानी एक तरह का आ, आ, बताना कि जो नया नाम है 300 साल पुराना अगर कोई नाम है 200 साल पुराना नाम है तो हम 800 साल पुराना कोई नाम खोज कर लाएं अब पता नहीं वो नाम थे नहीं थे लेकिन उन्होंने तमाम शहरों के नाम बदल दिए हैं उसमें एक शहर था बहुत मशहूर और इंडस्ट्रियल बेल्ट तूती कोरिन, तूती कोरिन का नाम उन्होंने अभी रखा है तुथु कुड़ी तो तुथु कुड़ी में अभी बीते शुक्रवार को पी जहराज और बेनिक्स ये दोनों बाप बेटे हैं पिता और पुत्र हैं इनकी बाजार में तुती कुरिन के एक छोटी सी मोबाइल शॉप है यानी साधारण लोग हैं दोनों बाप बेटे को पुलिस ने इस नाम पर पकड़ लिया मारा पीटा कि आप दुकान को क्यों टाइम से नहीं खोलते और बंद करते हो आप लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहे हो आप कोरोना के दौर में ये क्यों अनुशासनहीनता दिखा रहे हो और उनको इतना पीटा गया फिर उनको थाने ले जाया गया रात भर थाने में रखा गया और उनकी चार दिनों के बाद अस्पताल में मौत हुई और अस्पताल में मौत के बाद जो पाया गया है कि उनके रेक्टम से लेकर यानी उनके मल द्वार से लेकर और तमाम जगहों पर घाव के निशान हैं अब पूरी रिपोर्ट आने पर सारी सारे ब्यौरे मालूम हो जाएंगे जांच कमेटी बैठने वाली है बैठी हो सकता है बैठ गई हो जब मैं अभी बात कर रहा हूं तो लेकिन इस दरमियान मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं जो सरकार चला रहे हैं उन्होंने मान लिया है कि ज़रूर पुलिस जुल्म हुआ है नहीं तो दस दस लाख रुपया वो मुआवजा नहीं देते एक आदमी को घर के नौकरी देने जा रहे हैं और ये तमिलनाडु की पहली घटना नहीं है दोस्तों हाल के दिनों में लॉकडाउन के दौरान वहाँ पुलिस अत्याचार में और भी लोग मरे हैं उसमें एन एच आर एन के पास और भी कुछ कंप्लेन वहाँ पहुँची हैं जिसमें से एक केस के मामले में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तमिलनाडु सरकार को पिटिशन भी दिया है अब मेरा ये कहना है दोस्तों कि ये तमिलनाडु की केवल कहानी नहीं है और आपको और बात या, याद दिला दें कि ये तुतिकुरिन वही शहर है जहाँ जो वेदांता ग्रुप है बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी उसका एक स्टारलाइट जो कॉपर आ, आ, वहाँ पर जो एक फैक्ट्री थी उसमें आप जानते हैं कि दो साल पहले बहुत बड़ा एक बवाल हुआ था और भयानक वहाँ पर लोग मरे थे और जब प्रोटेस्ट किया लोगों ने उस फैक्ट्री में जो कुछ घटनाक्रम हुआ था तो पुलिस फायरिंग में तेरह लोग मारे गए और इसको लेकर पूरा तुतिकोर जो है वो एक पैर पर खड़ा हो गया प्रोटेस्ट हुआ बंद हुआ शहर का मैं सैल्यूट करता हूं वहां के लोगों को कि कम से कम पुलिस दमन के खिलाफ आवाज उठाते हैं सिर्फ अमेरिका में आवाज नहीं उठती है भारत में भी उठती है और तमिलनाडु उसका उदाहरण है अभी जो पी जयराज और बेनिक्स के मामले में जो सरकार हरकत में आई सरकार पर जो दबाव पड़ा वो अपने आप नहीं पड़ा दोस्तों ये केवल मीडिया में आने मीडिया में तो बहुत कम आया है देश के हाँ तमिलनाडु के मीडिया में काफी छपा है और कवर भी किया गया है लेकिन जनता ने तीन दिन पहले की बात कर रहा हूं और लोगों ने प्रोटेस्ट किया जब तब जाकर वहां पर पुलिस के इस भीषण भयानक बर्बर दमन के खिलाफ सरकार को दबाव में आकर एक्शन लेना पड़ा अब सवाल इस बात का है कि क्या एक्शन मुआवजा है क्या एक्शन एक नौकरी है और ये मांग वहां पुरजोर ढंग से उठ रही है डीएम के जो मुख्य विपक्षी पार्टी है जिसने 25 लाख रुपया कंपनसेशन अपनी ओर से दिया है लेकिन डी के सहित तमाम पार्टियां वहां की लेफ्ट पार्टीज जो हैं सीपीआईएम वगैरह सभी ये मांग कर रही हैं कि हर हालत में जो मारने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए उनकी नौकरी जो है तत्काल ख़त्म की जाए और इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाए उनको बर्खास्त करके ये डिमांड की जा रही है मैं समझता हूँ कि ये जेनविन मांग है किसी भी डेमोक्रेसी में ये डिमांड बहुत ज़रूरी है लेकिन कुछ एक संस्थाओं का मैंने अभी प्रेस रिलीज़ देखा उसमें वो मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से कराई जाए मुझे लगता है कि दोस्तों ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से जांच कराना पता नहीं ये कितना औचित्यपूर्ण है क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पर पहले ही काफ़ी सवाल उठे हुए हैं और अभी एक और दिलचस्प वाक हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की दिसंबर 2019 में जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हादसा हुआ जिस जिसमें पुलिस ने लाइब्रेरी में घुस करके बच्चों को पीटा लड़कियों को नहीं छोड़ा लड़कियों को भी पीटा बहुत जगहों पर और उसके सारे विजुअल मौजूद हैं पूरे देश के सामने पूरी दुनिया ने देखा है लेकिन जामिया में पुलिस हिंसा के मामले में जो एन की रिपोर्ट आई है जिसको तमाम मीडिया में भी रिपोर्ट किया गया है उसमें एक तरह से पुलिस को अभय दान शामिल गया है अभय दान सा मैं कह रहा हूँ और उसमें पुलिस अत्याचार पर सिर्फ एक बात कही गई है कि लाइब्रेरी में पुलिस जो वायलेंस है उसको अवॉइड किया जा सकता था लेकिन पूरी घटना के लिए उन्होंने पूरी रिपोर्ट में ऐसा लगता है कि वहाँ की जो स्टूडेंट कम्युनिटी है और उनके पीछे छुपे कथित कौन लोग हैं उनको जिम्मेदार ठहरा दिया है ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स ने स्वयं वायलेंस को इनवाइट किया दिलचस्प बात यह है कि जांच करने वालों में पुलिस अधिकारी वो सबसे लीडरशिप में और एन के भी कुछ लोग उसमें शामिल बताए जाते हैं पता नहीं आई मीन किस तरह के हैं कौन हैं लेकिन इस पूरी जांच पड़ताल पर एक गंभीर सवाल उठ रहे हैं जो एन ने जामिया के मामले में जांच की है और अब एन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अब ये कहा है सिफारिश की है कि असल बात यह है कि जामिया के वायलेंस में कौन लोग पीछे थे क्या साजिश थी इसके लिए दिल्ली पुलिस का जो क्राइम ब्रांच है वो एक एसआईटी गठित करे तो फिर मानवाधिकार की जांच का क्या मतलब है अगर पुलिस दमन की जांच पुलिस ही करेगी कबाल की बात है पुलिस दमन करे पुलिस जांच करे पुलिस फैसला कर दे तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ह्यूमन राइट्स बॉडीज का मतलब नहीं है न्यायपालिका का भी मतलब नहीं है तब अगर ये रिकमेंडेशन इस तरह की सिफारिशें आती हैं तो तो मुझे लगता है कि मानवाधिकार आयोग पर भी राष्ट्रीय जो आयोग है बहुत महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों ऐसा लगता है कि इस दौर में महामारी के इस दौर में और महामारी से पहले की भी बात है बहुत सारे सवालों पर एक गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारी संवैधानिक संस्थाएं, क्या हमारी जो लोकतंत्र की बहुत महत्वपूर्ण जो संस्थाएं जो वॉस्टॉक कही जाती हैं क्या वो हमें फेल कर रही हैं क्या वो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को वाकई उनका संरक्षण नहीं कर पा रही हैं अगर वो स्टेट की संस्थाओं को जिन पर दमन का आरोप है अगर उनके बचाव में उतरती हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हैरत अंगेज बात है दोस्तों और बिल्कुल चलते चलते मैं कहूंगा कि कुछ एक मसलों पर कई बार इन संस्थाओं से अच्छे भी काम होते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा इन्होंने ऐसे ही गलत किया है या, 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 या इनकी आलोचना केवल हुई है इनकी प्रशंसा हमने स्वयं अपनी रिपोर्ट में की है इन्होंने जब आठ राज्यों को आठ राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को मानवाधिकार आयोग ने पिटीशन दिया था इसी कोरोना दौर में इसी लॉकडाउन जब चल रहा था तब कि आठ राज्यों में पंद्रह लोग पंद्रह लोग पुलिस दमन से मारे गए ये, ये आरोप है और यह आरोप कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम की संस्था ने जांच करके अपनी रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को सौंपी थी मानवाधिकार आयोग ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को लेटर लिखा नोटिस दिया और बताया कि आपके यहाँ ये ये है उसमें उत्तर प्रदेश है तमिलनाडु है पंजाब है तमाम स्टेट्स हैं और इन स्टेट से पूछा है कि भई आपके यहाँ ये पंद्रह लोग टोटल हर राज्य में बिखरे हुए हैं संख्या अलग अलग है कि ये लोग जो मरे हैं बताया जाता है कि पुलिस ने मार मार कर लॉकडाउन के नियमों के कथित उल्लंघन के नाम पर मामूली उल्लंघन के नाम पर मारा और ये सारे गरीब लोग हैं सारे साधारण लोग हैं अमीरों को नहीं पीटा जाता केवल गरीब पीटे जाते हैं और उसमें पंद्रह में बारह जो हैं सड़क पर या किसी दुकान में या किसी बाज़ार में मारे गए तीन के बारे में कहा जाता है कि वो पुलिस हिरासत में मारे गए इस पर उन्होंने नोटिस दिया है अब पता नहीं कि अभी तक ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उसने इन लोगों की रिपोर्ट्स पर उन सरकारों से जवाब पाया या नहीं पाया लेकिन यकीन दोस्तों अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को सौंपी है उसमें तो सिर्फ पंद्रह लोग हैं अगर आंकड़ा देखा जाए मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तो पूरे लॉकडाउन के दौरान संख्या जो है मरने वालों की पुलिस दमन में पुलिस दमन में मैं कह रहा हूँ भूख प्यास से बीमारी से और सड़क पर चलते हुए दुर्घटना से उनकी बात छोड़ दीजिए उनकी संख्या तो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से छः सात सौ तक पहुँच जाती है लेकिन सिर्फ पुलिस दमन से मरने वालों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ी होगी और उसका पूरा आंकड़ा आना बाकी है क्योंकि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक संस्थाएँ हैं वो कमज़ोर पड़ी हैं और इस तरह का जो डेटा कलेक्शन है वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है एक दौर में बहुत सारी संस्थाएँ पी है पी है काफ़ी एक्टिव थी इस दौर में वो उनमें भी कमी आई है उनमें भी कमज़ोरी आई है जिसकी वजह से सूचना के स्तर पर भी एक तरह की वैचारिक दरिद्रता दिखाई देती है लेकिन दोस्तों हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये अजीब दौर है कि समझ में नहीं आता कि कोरोना के इस दौर में लोग सरकार संस्थाएं उसकी मशीनरी हमारी स्टेट की वो कोरोना से महामारी से लड़ रही है उससे निजात दिला रही है सभ्यता संस्कृति और समाज और लोगों को या वो आवाम खासकर गरीबों से लड़ रही है किससे लड़ रही है ये दुनिया में एक ऐसा उदाहरण आई मीन ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक और विकसित मुल्क हैं या विकासशील मुल्क हैं वहाँ कहीं नहीं दिखेगा थोड़ा बहुत ब्राज़ील बल्कि ब्राज़ील में थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी हद तक जो ये जेर बोल्सेनेरो साहब हैं जो वहाँ के हुकूमत संभाल रहे हैं जो हमारे 26 जनवरी को हमारे गेस्ट भी थे हमारे देश के गणतंत्र दिवस परेड पर उनके मुल्क में ज़रूर इस तरह के गंभीर आरोप आ रहे हैं कि वहाँ भी दमन काफ़ी हो रहा है लोगों का खासकर गरीबों का लेकिन अपने मुल्क में जिस जहाँ माना जाता है कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही हैं वहाँ ऐसा होना कोरोना के दौर में गरीबों पर अवाम पर साधारण लोगों पर खासकर जैसे तुतिकोरन में जैसा हुआ है ये हैर तंगेज़ है शॉकिंग है दुर्भाग्यजनक है और शर्मनाक है बस यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं नमस्कार आदाब सत श्री अकाल